सुबह वो जैसे ही सोकर उठी तो शाह कावर को सोफे से गायब पाया। ना जाने वो कब उठकर बाहर चला गया था। ज़रला ने ठंडी सांस भरते अपने खुले बालों को कैचर में जकड़ा और उठकर वॉशरूम में फ्रेश होने चल दी। आधे घंटे ठंडे पानी से शावर लिया। फ्रेश होने के बाद जब बाहर आई तो नज़रें बेख्तियार वॉल क्लॉक की जानिब उठ गईं, जो सुबह के 10 बजा रही थी। शाह कावर सहरखेज था, मगर उसे हैरत थी कि रात को इतनी देर से सोने के बावजूद भी वो इतनी जल्दी बेदार कैसे हो गया। हालांकि शादी की थका देने वाली रसूमात, हल्ला गुल्ला, लंबा सफ़र और फिर अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ होने वाली जंग, ज़हनी तौर पर ये सब कुछ थका देने वाला था। वो इस वक्त सादा से कॉटन के शलवार सूट में मलबूस अपने लंबे बालों को तौलिए से रगड़कर आईने के सामने आन खड़ी हुई। गुज़िश्ता रात के पूरे सियाको सबाक समेत उसके जहन के पर्दे पर नमूदार हो चुके थे। भले खुद को उसने शाह कावर के सामने बहुत मजबूत जाहिर किया था, मगर उसका ये मतलब नहीं था कि वो वाकई मजबूत थी। उसकी गलती इतनी बड़ी तो नहीं थी कि वो ऐसे रवैये की हकदार ठहरती। ज़्यादती तो इसके साथ भी हुई थी, चाहे अनजाने में ही सही। आखिर उसे भी तो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने का हक़ था, अपने ख्वाबों की तकमील के लिए, अपने मनचाही ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपना मनपसंद हम सफ़र पाने के लिए। दो आंसू चुपके से उसके गालों पर रास्ता बनाते नीचे गिरे थे। ज़रला ने उन्हें अपने हाथों की पुश से पहुंचा। वो बेजान हाथों से बेदिहानी की कैफियत में अपने बालों में ब्रश कर रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी। उसने जल्दी जल्दी अपना चेहरा साफ किया और दुपट्टा ओढ़ के दरवाजे के करीब चली आई थी। यस, कम इन, इसने हौले से कहा था। अगले ही लम्हे हंसती मुस्कुराती फूलबाजी उसके सामने थी। ज़रला ने उन्हें देखते ही फौरन सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, वो प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए शरारत से बोली। ज़रला झेप के मुस्कुरा दी। अच्छा हुआ फ्रेश हो गई, ये कहाँ है तुम्हारा? उन्होंने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाते शोकी से अपने लाडले और छोटे भाई शाह कावर की बाबत दरियाफ्त किया। पता नहीं, मैं तो सो रही थी, वो शायद बहुत जल्दी उठ गए। ज़रला ना जाने क्यों शर्मिंदा सी हो गई। हाँ, वो बहुत जल्दी उठ जाता है, तुम्हें इसलिए नहीं जगाया होगा कि तुम्हारी नींद पूरी हो जाए। आखिर को थक भी तो बहुत गई हो। देख लो भाई, शादी के बाद से ही तुम्हारी कितनी परवाह करने लगा है। हालांकि पहले तो खैर, तुम्हें एक कल की बात बताऊं, वो राजदाराना लहजे में कहती उसके करीब हुई। जी, ज़रला ने मुरव्वत निभाई। मर्द तवज्जो का मुतकाजी होता है, उसे ज़िद, अना या खुददारी से नहीं बल्कि सिर्फ मोहब्बत की छुरी से ही कुन किया जा सकता है। और शाह कावर तो इस मामले में बहुत ही मुश्किल पसंद बंदा है। उसके सामने कोशिश करना कि कभी मोहब्बत के अलावा अना को बीच में मत लाना, वरना बहुत नुकसान उठाओगी। उसे अपनी मनवाने और अपनी मर्ज़ी ज़बरदस्ती दूसरों पर थोपने वाले लोग हरगिज़ हरगिज़ पसंद नहीं। कजा उसकी शरीके सफ़र इन्हीं खामियों की हामिल हो। लेकिन मुझे यकीन है ज़री कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम बहुत प्यारी और अच्छी लड़की हो और अपनी मोहब्बत से शाह कावर की ज़िद से निभा आसानी से करोगी। वो उसे गले से लगाते एकदम अफसुरदा सी हो गई। ज़री के हलक में आंसुओं ने फंदा कस दिया। वो रोना चाहती थी, मगर उसके लब बाहम पेवस्त किसी जंग आलूद खफल की मानंद हुए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी फूलबाजी कि आप सबको शिकायत का मौका ना दूं, और शाहजी को तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ देर बाद वो अपनी लम्हाती कैफियत पर काबू पाने के बाद बमुश्किल उन्हें तसल्ली दे पाई थी। इंशाल्लाह, सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो।
सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो। उन्होंने बड़े दिल से दुआ दी थी। मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर मैं नाश्ता लगवाती हूँ तुम दोनों का। वो वार्डरोब में से उसके लिए कपड़ों का इंतखाब करते हुए उसे हिदायत भी दे रही थी। ऐसा करो, ये रेड फ्रॉक पहन लो, शाह को ये कलर बेहद पसंद है और तुम्हें इस कलर में देखेगा तो उसे अच्छा लगेगा। थोड़ी ही देर बाद वो उसका सिल्वर काम से मुजयन अनारकली रेड फ्रॉक निकालते हुए उसे बता रही थी। जरला को भी वो बेहद पसंद आया। ये उसकी ससुराल की जानिब से था और उसकी सारी शॉपिंग फूलबाजी और कंदील ने की थी। इसमें कोई शक नहीं था कि इन दोनों बहनों की पसंद बहुत नफीस और आला थी। थोड़ी ही देर में वो तैयार होकर किसी अप्सरा की मानिंद दिखाई दे रही थी। फूलबाजी ने इसका मेकअप बहुत सॉफ्ट और लाइट सा किया था, जो उसके मासूम से चेहरे पे बहुत भला मालूम हो रहा था। उन्होंने इसे सारा जेवर फिर पहना दिया। फूलबाजी, जेवर रहने दे, मेरा दम घुट रहा है। अरे यही तो दो चार दिन है तुम्हारे पास, फिर तो सारी जिंदगी बच्चों में घिर के ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा। और मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह तुम्हारी जिंदगी में भी ये हसरत बाकी रहे। जैसे मुझे अब ये कसक रहती है कि काश मैं ज्वेलरी की इतनी शौकीन, अपना तमाम जेवर बर वक्त इस्तेमाल कर लेती तो आज ये हसरत बाकी ना होती। तो आप पहना करें ना। उसे उनकी बात पर हैरत हुई, जबी कहे बगैर ना रह सकी। खाक पहनूं? कभी मुनिम छेड़ रहा होता है तो कभी पूनम। थोड़ी ही देर बाद मुझे अखाड़े में किसी पिछाड़े हुए कबड्डी पहलवान का रूप दे देते हैं मेरे ये दोनों शैतान। वो हंसते हुए अपना मजाक उड़ाते हुए बोली, शाह ने क्या तोहफा दिया तुम्हें? जरला जिस सवाल से बचना चाह रही थी, फूलबाजी ने वही सवाल उससे पूछ लिया। जरला की समझ नहीं आया कि वो उन्हें क्या जवाब दे। वो कुछ देर खामोश बैठी रही, जब ही उन्होंने अपना सवाल दोहराया। वो दरअसल मैंने मांगा ही नहीं, इंतहाई बोगस जवाब देते उसे गुज़िश्ता रात शाह खावर का दिया जवाब याद आया था। क्या वो जवाब फूलबाजी को दे पाती? ये क्या बात हुई, ये भी कोई मांगने वाली बात थी? जरी शाह को खुद एहसास होना चाहिए कि ये तोहफा किसी भी लड़की के लिए कितना अहम होता है और उसके ना मिलने की कसर कैसे सारी उम्र तड़पाती है, एक मुसलसल कमी का एहसास दिलाती रहती है। मैं बात करती हूँ शाह से, ये क्या बचपना है उसका, हद है लापरवाही की। वो अचानक सख्त कबीदा ख्वातिर नज़र आने लगी। जरला की जान पे बनाई, अगर वो सचमुच शाह खावर से इसका तस्करा कर देती तो कोई बईद नहीं था कि शाह खावर से कहकर वो फूलबाजी को भी वही जवाब ना दे दे जो रात को उसको दिया था। उसकी क्या इज्जत रह जाती भला। नहीं प्लीज़, आप शाहजी से कोई बात मत कीजिएगा प्लीज़, वो ला देंगे खुद ही जल्दी, मैं शायद भूल गए। जरला ने बमुश्किल तमाम ने शाह खावर से बास पुरस करने से रोका था। शुक्र के वो मान गई थी। जरी यूं अपना हक इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। अचानक उन्होंने जाने किस एहसास के तहत उससे कहा तो वो समझ नहीं पाई। वलीमे के बाद मुकलावे की रस्म के मुताबिक अपने मैके आई थी, मगर शाह खावर हस्बे तवक्को साथ नहीं आया था। हालांकि सबने कितना इसरार किया था कि ये उनकी ख़ानदानी रिवायत है कि मुकलावे की रस्म के लिए दुल्हा दुल्हन के साथ जाए, मगर सब जानने के बावजूद भी उसने खतियत से इनकार कर दिया था। जाने से पहले वो उससे इजाज़त लेने कमरे में आई थी। शाह खावर फ़ोन पर किसी दोस्त से मेवे गुफ्तगू था। वो झिझकते हुए उसके पास आई थी। उसकी मौजूदगी का एहसास पाते ही शाह कावर ने बेहद सर्द और सपाट सवालिया निगाहों से उसे घूरा था। जिल्ला ने उसकी मौजूदा कैफियत और तासुरात को देखते बमुश्किल खुद को कहने पर मजबूर किया, वो अम्मी लोग मुझे लेने के लिए आए हैं, आप तो नहीं जा रहे, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं चली जाऊं। वो मिनमिनाते हुए उसकी खामोशी से खायफ अपने आने का मुद्दा बयान कर रही थी। उसे रोना आने लगा कि कल तक जो उसका बेहतरीन दोस्त था आज जीवन साथी के रूप में इतना ही अजनबी और शफाक बना बैठा था।
मेरे रोकने पे रुक जाओ कि? शाह कावर ने अचानक मोबाइल ऑफ करके एक साइड पर रखते उससे पूछा। जी, वो बेसाख्ता उसके मुंह से निकला तो शाह कावर का सहजाइया खहखहा हवा में गूंजा था। अच्छा, तंस की गहरी काट, इतनी फर्माबरदार पहले तो नहीं थी, अब कैसे हो गई? आपकी हर बात मानना मेरे लिए हुक्म का दर्जा है, उसने आहिस्तगी से कहा। मतलब तुम नहीं जाओगी? शाह खावर का अंदाज जांचता हुआ था। अगर आप इजाज़त ना दें तो नहीं जाऊंगी। जरला का अंदाज अटल और मजबूत था। मगर मुझे तो तुम्हें रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं क्यों भला तुम्हें रोकूंगा? जाओ, जितने दिन चाहे रहो। वे एकदम से उसे दो कोड़ी का करके रुक फेरते हुए बोला, गोया वो मजीद बात करने के मूड में नहीं था। वो जा सकती थी। जरला के पंदार को बड़ी जोर की ठेस पहुंची थी। कितनी बेइज्जती अहानत हुई थी उसकी, मगर वो कमाल जब्त का मुजाहरा करती बर्दाश्त कर गई। वो जानती और समझती थी कि अभी शाह खावर बहुत गुस्से में है और गुस्से में वो अपनी सुध-बुध खो बैठता है। वो उसे पा चुकी है, ये एहसास ही काफी था। वो अपनी मोहब्बत और इज्जत और एहतराम से शाह खावर को अपने उसी रूप में लौटने पर मजबूर कर देगी जैसा वो हमेशा था। वो बोझल दिल लिए वहां से अकेली ही चली आई। चाश्त का वक्त था। जरला अपनी मुर्गियों और कबूतरों को दाना डाल रही थी जैसे आज से पहले हमेशा डाला करती थी। उसे आए यहाँ दूसरा दिन था और उसकी ससुराल से फर्दन फर्दन सबकी कॉल्स आई थी, माँ सिवाय उस दुश्मन जहाँ की, जिसकी वजह से वो उस ख़ानदान में शामिल हुई थी। शाह खावर के वालिदैन हयात नहीं थे, वो चार बहन भाई थे, सबसे बड़ी फूलबाजी, फिर शाह खावर, उसके बाद शाह खुर्रम और सबसे छोटी खंदील थी। शाह खावर की परवरिश और किफालत उनकी दादी सुल्ताना बेगम ने उनके चचा जाह जमाल के साथ बहुत अच्छे और खुले दिल से की थी। शाह जमाल के भी चार बच्चे थे, सबसे बड़ा अरसलान, दूसरे नंबर पर सलमान, तीसरे नंबर पर कोमल और फिर सुभान थे। और वो चारों अपने वालिदैन के हमरा पिछले 5 साल से अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। दादो कभी लाहौर और इन लोगों के पास, या कभी इलाज मुआलजे की गर्ज से अमेरिका चली जाती। जिरला से वो बहुत प्यार करती। उन्हें अपने शौहर की भांजी जिरला की वालदा से भी बहुत प्यार था, बल्कि ये सुल्ताना बेगम ही थी जो अब तक इस रिश्ते को निभाए चली आ रही थी और अब इस रिश्ते को अटूट बंधन में बांध के हमेशा के लिए वो लोग करीब आ गए थे। दो खानदान हमेशा के लिए एक हो गए थे। जरी, बस करो बेटा, अब आ जाओ, इधर नाश्ता कर लो, अम्मा ने उसे मुर्गियों और कबूतरों के नरगे में से पुकारते हुए कहा। और वो जो अपने आप में अपनी सोचों में गलता थी, एकदम चौंक उठी। जी अम्मा, अभी आई। बेदिली से बाजरे का कटोरा मुंडेर पर धर के वो किचन में चली आई। अम्मा ने टोलटोलती हुई निगाहों से उसका सादा रूप देखा कि कहीं से नहीं लग रहा था कि वो 4 दिन की ब्याहता है। जरी, ये क्या हालत बना रखी है तूने? उन्होंने पराठा और आमलेट अचार के साथ उसके सामने रखते हुए उससे पूछा था। क्या हुआ मेरी हालत को अम्मा? कहीं से नहीं लग रहा कि तुम्हें देखकर कि तुम नयो ब्याहता हो, उन्होंने खायस से लहजे में जताया तो जरला को हंसी आ गई। तो क्या ज़रूरी है कि मैं नज़र भी आऊँ नयो ब्याहता? सबको मालूम है, सभी शादी में शरीक हुए थे। उसने माँ के चेहरे पर फैली परेशानी को अपने मजाक में उड़ाया। बचपना छोड़ो जरी, पहले की बात और थी, अब तुम शादीशुदा हो और ये बहुत ज़रूरी है कि तुम खुद पर तवज्जो दो। लोग एक एक बात नोट करते हैं और फिर लोगों की ज़बान भी तो नहीं पकड़ी जा सकती, उन्होंने उसे समझाया। ओके, बताएं ऐसे मुझे क्या करना चाहिए कि लोग बातें ना बनाएं? वो नाश्ता छोड़कर संजीदगी से बोली।
तुम खुश तो हो जरी? उन्होंने इसकी बात को खातिर में ना लाते हुए सवाल किया। ये कैसा सवाल है? वो झिंझलाई थी। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। तुम खुश हो खावर के साथ? अम्मा प्लीज़ कोई वहम दिल में मत पालें, मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। शाह खावर ने इन दो दिनों में मेरा इतना ख्याल रखा है कि मैं खुद पर रश करने लगी हूँ कि कोई इतना खुश नसीब भी हो सकता है कि जितनी मैं हूँ। शाह को हासिल करके मैं बहुत खुश हूँ, बेहद खुश। वो जस के आलम में कहती अपनी माँ को मोहब्बत की उदासी मालूम हुई थी। बेख्तियार उन्होंने हमेशा उसकी खुशियाँ सलामत रहने की दुआ की थी। हमेशा खुश रहो, अल्लाह करे शाह खावर हमेशा तुम्हारी कदर करे, आमीन। माँ के गले से लगी जरला ने धीरे से आमीन कहा था और उसकी आँखों से दो खतरे टूट कर गिरे थे। उसने शाह खावर को हासिल ज़रूर कर लिया था मगर उसे पा नहीं सकी थी।